दोस्तों याद रहे YouTube हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशन 19 लाख सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 1000 लोगों को ही भेजेगा और थोड़ी देर में इस वीडियो को भी गायब कर देगा, क्योंकि उसे अश्लीलता से ज्यादा पैसे मिलते हैं न कि हमारे जैसे ज्ञानवर्धक वीडियो से। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस लाते रहें तो कृपया इसे इतना शेयर करें कि YouTube के मुंह पे तमाचा लग सके। दोस्तों हमारी धरती पे बहुत सी अद्भुत जगहें मौजूद हैं जहाँ की सुंदरता को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं, क्योंकि इन जगहों पर जाकर लोगों को आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन इन जगहों के विपरीत धरती पे कुछ ऐसी जगहें भी मौजूद हैं जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक हैं कि कोई इंसान वहां जाना तो दूर, जाने के बारे में सोचता भी नहीं है। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं धरती की कुछ ऐसी ही खतरनाक जगहों के बारे में, इसलिए प्लीज वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना। नंबर 10, स्नेक आइलैंड, ब्राजील। ब्राजील के प्रमुख शहर साओ पाउलो से करीब 150 किलोमीटर दूर स्नेक आइलैंड नामक एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जिसे धरती की सबसे खतरनाक जगहों में से एक कहा गया है, क्योंकि यहाँ बहुत ही खतरनाक सांपों का बसेरा है। क्या आप सभी को पता है यहाँ कोई भी इंसान कदम तक नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ इंसानों के जाने पर सख्त मनाही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ सांपों की ऐसी कौन सी प्रजाति पाई जाती है जो कोई इंसान यहाँ पे जा ही नहीं सकता। वेल, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पाए जाते हैं गोल्डन लैंसेट सांप, जो कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि इनके जहर की महज एक बूंद पल भर में एक इंसान की जान ले सकते हैं। आखिरी बार 1920 में एक मछुआरा अपनी नाव चलाकर यहाँ गया था जो कि लापता हो गया था और कुछ दिनों बाद उसकी लाश बरामद हुई थी। नंबर 9, बरमूडा ट्रायंगल। दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल धरती के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है जो कि अब तक अनसुलझा है। यह मायामी, बरमूडा और पोर्टो रिको के मध्य में मौजूद है, जिसे शैतान का घर भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े जहाज, हवाई जहाज और बहुत से लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं। दुनिया भर के लोग मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल के अंदर कोई रहस्यमयी शक्ति मौजूद है जो बहुत से जहाजों और हवाई जहाजों को अपने अंदर खींच लेती है, जिसके बाद उनका नामो निशान तक नहीं मिलता। शायद यही वजह है कि आज कोई भी इंसान बरमूडा ट्रायंगल में जाना नहीं चाहता। नंबर 8, लेक नैट्रॉन, तंजानिया। अब सभी ने झीलें तो बहुत सी देखी होंगे, लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसी झील के बारे में सुना है जिसके पास में जाते ही किसी भी जीव की जान चली जाती है? वेल, तंजानिया में मौजूद नैट्रॉन झील एक ऐसी ही झील है जिसके संपर्क में आते ही लगभग हर जीव अपनी जान गंवा देता है और पत्थर में बदलने लगता है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस झील में भारी मात्रा में अल्कलाइन पाया जाता है और इसका पानी भी बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, जो किसी भी जीव की जान लेने के लिए काफी होता है। और जैसे ही गर्मियों के मौसम में झील का जलस्तर घटता है तब इसमें से पत्थर बन चुके जीव साफ दिखाई देते हैं, जो कि यहाँ मौजूद मौसम की वजह से पत्थर में बदल चुके होते हैं। नंबर 7, डेथ वैली, कैलिफोर्निया। डेथ वैली अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के नॉर्दर्न मुआवे रेगिस्तान में मौजूद एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत ही कम लोग जा पाते हैं, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब सभी को जानकर हैरानी होगी कि डेथ वैली को धरती पर मौजूद सबसे गर्म जगहों में से एक माना गया है, जहां का तापमान गर्मियों में करीब 57 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इतने गर्म तापमान की वजह से यहां पानी का नामो निशान तक नहीं दिखता और यहां मौजूद रेत आग की तरह हो जाती है जिस पर कोई भी चल नहीं सकता। डेथ वैली धरती पर मौजूद एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ अब तक बहुत से इंसानों की जान जा चुकी है और यहाँ किसी भी इंसान का 14 घंटों से ज्यादा जी पाना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 6, वैली ऑफ डेथ, रशिया। दोस्तों वैली ऑफ डेथ का नाम सुनते ही शायद आपके मन में किसी ऊंची जगह का ख्याल आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो इससे कहीं ज्यादा है और इसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, ये वैली ईस्टर्न रूस में स्थित एक ऐसी जगह है जहाँ हर जगह मृत जानवर पड़े रहते हैं, जो कि इस जगह को और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाते हैं। 20वीं सदी में जब दो व्यक्तियों द्वारा किकपेनिच ज्वालामुखी पर चढ़ाई की जा रही थी, तब उन्हें अपने सफर के रास्ते में एक ऐसी जगह मिली जहां पर न घास थी और न ही मिट्टी। उन दोनों द्वारा देखा गया कि उनके पैरों के नीचे हर तरफ मरे हुए जानवर पड़े हुए थे, जिसके बाद वो इस जगह से वापस आ गए। दोस्तों इस जगह के बारे में जैसे ही बहुत से लोगों को पता चला, उन्होंने इसके रहस्य के बारे में पता लगाना चाहा, पर वो लोग इसमें भी नाकाम रहे। बाद में वैज्ञानिकों द्वारा तर्क दिया गया कि इसके पास मौजूद ज्वालामुखी से निकलने वाली खतरनाक गैसें ही यहाँ मौजूद जानवरों की मौत का कारण बनी, जो कि इंसानों को भी मार सकते हैं, जिसके बाद से यहां आज तक कोई नहीं जाता। नंबर 5, मदीदी नेशनल पार्क, बोलिविया। बोलिविया स्थित मदीदी नेशनल पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क है जो सिर्फ दूर से देखने में ही सुंदर लगता है, क्योंकि पास जाने पर यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यह दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां बहुत ही जहरीले जीव पाए जाते हैं।
दोस्तों आप सबों को जानकर हैरानी होगी कि इस पार्क में मौजूद सूक्ष्म जीवों का एक टच भी आपके शरीर को इन्फेक्ट कर सकता है, जिससे आप बीमार पड़ सकते हैं और हो सकता है आपकी जान भी चली जाए। खैर, इतना खतरनाक होने के बावजूद भी कुछ लोग इस पार्क में जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ही सुंदर जानवर और पक्षी पाए जाते हैं जो इस जगह की शोभा बढ़ाते हैं। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इस पार्क में 11,000 प्रकार के जानवर और पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। पर इनसे ये कम खतरनाक नहीं बनता, क्योंकि यहाँ आपकी जरा सी गलती भी आपकी जान ले सकती है। नंबर 4, बिकिनी अटॉल मार्शल आइलैंड। बिकिनी अटॉल आइलैंड इस दुनिया में मौजूद एकमात्र ऐसी जगह है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और एटम बॉम्ब्स की टेस्टिंग हुई है, और शायद इसी वजह से इस जगह को बहुत ही ज्यादा रेडिएशन वाली जगह माना जाता है। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इस जगह पे 64 एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं और करीब 12 साल एटम और हाइड्रोजन बॉम्ब की टेस्टिंग हो चुकी है। देखने में इसके पास मौजूद समुद्री जीवन आपको बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ेगा, लेकिन असल में ये बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है। यही नहीं दोस्तों, इस जगह पे दुनिया का पहला अंडर वाटर एटम बॉम्ब टेस्ट किया गया था, जो कि 1946 में हुआ था, जिस वजह से यहाँ पर बहुत ही खतरनाक रेडियो एक्टिव पानी मौजूद है, जिसके संपर्क में आते ही व्यक्ति को कैंसर हो जाता है। हालांकि तत्काल समय में इस जगह को घूमने के लिए खोल दिया गया है, लेकिन कोई भी इस पर मौजूद समुद्र तट पे नहीं जा सकता। नंबर 3, माउंट वॉशिंगटन न्यू हैम्पशायर। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट इस दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे खतरनाक पहाड़ है, जिसकी ऊंचाई के बराबर दुनिया में और कोई दूसरा पहाड़ नहीं है। लेकिन इस दुनिया में एक पहाड़ ऐसा भी है जो माउंट एवरेस्ट के बराबर ही खतरनाक है, और उसे दुनिया का सबसे खतरनाक छोटा पहाड़ कहा जा सकता है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि माउंट वॉशिंगटन के इतने छोटे होने के बावजूद भी हाइकर्स इसके ऊपर चढ़ाई नहीं करते, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं, जिनमें हाइकिंग करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही नहीं, इन हवाओं के साथ यहाँ बर्फबारी भी होती है, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान 0 से भी काफी कम हो जाता है, जो इसे घूमने के उद्देश्य से बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह बना देता है। पिछले कई सालों में इस पहाड़ के ऊपर बहुत से पर्वतारोहियों की जाने जा चुकी हैं, और अगर आप यहाँ बिना किसी जांच पड़ताल के जाते हैं तब आपका वापस आना लगभग असंभव है। नंबर 2, लेक न्योस कैमरून। लेक न्योस सेंट्रल अफ्रीका के कैमरून में मौजूद एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक झील है, जो कि हर तरफ से छोटे गांवों से घिरे हुई है। पहली नजर में देखने पे ये झील बहुत ही ज्यादा सुंदर और स्थिर है, पर असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें से खतरनाक गैसें निकलती हैं। अगस्त 1986 में इस झील के अंदर एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल इस झील के पानी में से अचानक धुआं निकलने लगा, और धीरे धीरे वो धुआं गांवों तक फैल गया, जो कि इतना ज्यादा जहरीला था कि लोग बेहोश होने लगे। दोस्तों इस धुएं की ऊंचाई करीब 300 फीट थी, जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक बादल था, जिस वजह से थोड़ी देर बाद इससे करीब 1700 लोगों की जान चली गई। नंबर 1, फ्रेजर आइलैंड ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों हर किसी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ किसी आइलैंड पे समुद्र के किनारे मस्ती करने में मजा आता है, लेकिन इस दुनिया में एक आइलैंड ऐसा भी है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद फ्रेजर आइलैंड दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड है, जो कि हर तरफ से खतरनाक है। यहाँ मौजूद पानी के अंदर रह रहे जीव और किनारे की रेत तीनों ही इंसानों के लिए खतरनाक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके किनारे पर मौजूद समुद्र के अंदर एक बहुत ही जहरीली जेलीफिश पाई जाती है, जो कि पल भर में किसी भी इंसान की जान ले सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ मौजूद रेत कैसे खतरनाक है। वेल, इस रेत के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक जंगली कुत्तों की प्रजाति घूमती रहती है, जो कि किसी के ऊपर भी अटैक कर देती है। इसी वजह से ये आइलैंड दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड है। तो दोस्तों ये थी दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक जगहें। आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे ज्यादा खतरनाक लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।